योगी सरकार में बेखौफ दबंगों का एक और कारनामा। न्यायालय द्वारा लिखे गए मुकदमे को वापस लेने की धमकी देते हुए घर में घुसकर दबंगों ने पीड़ित बुजुर्ग पिता समेत परिवार को दे दी जान माल की धमकी। आपको बता दें कि पूरा मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र के मैखरपुर गांव निवासी एक पीड़ित पिता ने अपनी पत्नी समेत पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि 18 अक्टूबर 2021 को गांव के ही राजेश गुरु भरोसे पुत्र शाहबलाल मेरे इकलौते बेटे को अपने साथ ले गए थे, जिसकी इन लोगों ने अपहरण के बाद हत्या कर दी थी, जहां मेरे इकलौते बेटे की लाश अभी तक बरामद नहीं हुई। मेरे द्वारा पुलिस के यहां कई बार फरियाद करने के बावजूद भी जब पुलिस से न्याय नहीं हुआ तो मैंने कोर्ट का सहारा लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। इतना ही नहीं, न्यायालय द्वारा मुकदमा पंजीकृत होने से नाराज दबंग लोग लगातार मुझे और मेरे परिवार को जान माल की धमकी देते चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि 18 जुलाई 2022 को दबंग राजेश उर्फ भरोसे पुत्र शाहबलाल अपने 3 अज्ञात साथियों के साथ मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी और पत्नी के साथ मारपीट करते हुए मुकदमा वापस लेने की बात करते हुए कहा कि अगर मुकदमा वापस नहीं लोगे तो तुम्हें और तुम्हारे पति बेटी समेत पूरे परिवार को जान से मार देंगे, जिससे भयभीत पीड़ित बुजुर्ग दंपति ने एसपी कानपुर देहात से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करवाने व जान माल की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। हमारा नाम राज नारायण सिंह, कहाँ रहने वाले हैं? निवासी ग्राम मैरकुट थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद कानपुर देहात। कहाँ पे आए हैं? आज हम आए हैं SP कार्यालय महोदय के पास। क्या मामला है, किस बात को लेके आए? हमारे लड़के की तारीख 18-10-2021 को ले गए घर से लोग, यहाँ से 4-5 लोग हमारे गांव के, साहबलाल सुरेंद्र सिंह, संदीप कुमार और राजेश उर्फ भरोसे, यानी अनिल लोग एक अज्ञात था जिसको हम पहचानते नहीं थे, लड़कियाँ पहचानती नहीं थी, और घर से ले गए और ले जाने के बाद में उसकी हत्या कर दी। कहीं लेकर लाश को छिपा दिया गया, आज तक डेड बॉडी नहीं मिली, और झूठी नदी के किनारे अफवाह उड़ा दी गई, कपड़े फैला फेंक दिए गए कि लड़का वो नदी में डूब गया है। और जब हम शिकायत करने गए थाना अध्यक्ष के पास, तब थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जा मारेंगे साले लाफड़, अच्छे शरीफ आदमी को फंसाने घूमता है। हमको वहाँ से भगा दिया गया, कोई न्याय नहीं मिला। मैं 2 महीने तक भटकता रहा, जब नहीं न्याय मिला तो मैं कोर्ट की शरण पे गया, तो कोर्ट से 156-3 का मुकदमा करवाया। 156-3 के मुकदमा होने के बाद इन्होंने बराबर हमको आए दिन धमकियां दे रहे हैं, घेराघारी कर रहे हैं। कल की घटना ये है कि मैं अपनी ड्यूटी पे था, प्राइवेट एक फैक्ट्री में ड्यूटी करता हूँ बच्चों के पालन के लिए, और हमारी लड़कियों के साथ में अभद्रता की गई, बदतमीजी की गई, घर में घुस कर कट्टा लेकर के इसी हत्यारे ने जो लड़के को मारा है। किस बात को घर में आए थे ये लोग? कह रहे थे मुकदमा वापस अगर 10 दिन के अंदर नहीं लिया तो पूरे परिवार को उठा लेंगे, तेरी लड़कियां भी उठा लेंगे और सब उठा करके ले जाएंगे और पता भी नहीं लगेगा। आपके बेटे थे आपके? एक ही लड़का था हमारे, अभी तो उसका पता नहीं लग पाया, आज तक डेड बॉडी का पता नहीं चला। और पुलिस के पास शिकायत करने जाओ तो कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई आने की जरूरत नहीं, 112 नंबर पर डायल कीजिए और मेरे यहाँ कोई आने की जरूरत नहीं है। पुलिस अधीक्षक महोदय को आपने प्रार्थना पत्र दिया, क्या कहा? पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने प्रार्थना पत्र पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने रख लिया, बोला बोल रही थी हम दिखवा।